فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ काबिल साद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीकत जनाब साहबजादा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब दामत बरकातों को बुला लिया, दीगर काबिल साद एहतराम उलमाए कराम मशाइख इज़ाम साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कायदीन तहरीक मिनहाज कुरान और दूरो नज़दीक से आज की इस उर्स मुबारक में तशरीफ लाने वाले जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक के खास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालेने मुबारक के तसद्दुक से हमें आज की इस नहायत ही उर्स मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक अदा की और जिस उसने नज़्म और जिस खूबसूरती के साथ आज की इस तकरीब का अहतमाम किया गया, मैं इस पर इस आस्ताना आलिया बुद्दन शरीफ की जुमला इंतजाम और बिलखसूस मोहतरम साहबजादा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज बहुत से आस्ताने ऐसे हैं कि जहाँ सिवाए मेलों के और कुत्तों की लड़ाइयों के कुछ भी बाकी नहीं, हालांकि ये आस्थाने वो आस्थाने हैं कि जहां से मखलूक के खुदा की रहनुमाई का सामान मिल जाए। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इस मखलूक और बंदगान खुदा की रहनुमाई के लिए अंबिया किराम को भेजते हैं और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियामत के साथ जैसे ही नबूवत का दरवाजा बंद हुआ तो अब क़यामत तक ये फरीजा कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया को अदा करना है। ऐसे आस्थाने ऐसी जगहें ये मखलूक़े खुदा की तरबियत और रहनुमाई की जगह होनी चाहिए ताकि यहाँ लोग आए उनकी हिदायत का सामान हो, ताकि वो यहाँ से सवर कर जाएं और फिर जहाँ जहाँ इस आस्थाने से मुंसलिक लोग पहुँचे वहाँ भी लोगों को हिदायत का सामान मिले। तो मैं इस काविश पर जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है और मुझे पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से ये बाकायदगी के साथ एहतमाम होता है, तिलावत होती है, नातखानी होती है, फिर कोई ना कोई बयान भी होता है, फिर पीर साहब की कलिमात होते होंगे, यकीनन फिर दुआ फरमाते होंगे और आहिस्ता आहिस्ता यकीनन ये ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचना शुरू हो जाएगा। इस पर मैं करोड़ा मरतबा भी अगर मुबारकबाद पेश करूँ तो मैं समझता हूँ कम, और दूसरी खुशी इस बात की है कि यह सिलसिला कादरिया का एक आस्थान है। मैं खुद सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स हूं और यहां पर हाजिरी में अपने लिए सआदत समझता और शायद आप अहबाब के इल्म में है या नहीं, मैं एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज ही हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गद्दी नशीन नकीबुल अशराफ नकीब अब्दुल रहमान अल कादरी अल गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आज विसाल फरमाए, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनके फ्यूजात को जारी व सारी फरमाए और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ्यूजात पहले भी चार दांगे आलम में बट रहे हैं, अल्लाह मजीद उन फ्यूजात को जारी व सारी फरमाए। आज की इस नशिस्त में दो बुनियादी बातें मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुमला हजरात बड़ी तवज्जो से मेरी गुजारिशात को सुनें। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर, और उन फितनों में से एक फितना जो इस दौर में पैदा हो चुका है कि वलियों का इनकार किया जा रहा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो तसव्वुफ के मुनकर हैं, विलायत के मुनकर हैं, औलिया के मुनकर हैं, उनकी करामतों के मुनकर हैं, उनकी बारगाह से मिलने वाले फ्यूजात। तो पहले हिस्से में तो मैं मुख्तसरा नर्ज करूंगा कि औलिया कौन होते हैं, कुरान उनका जिक्र कैसे करता है
और औलिया की जिन करामतों का जिक्र होता है, क्या ये बाद वाले लोगों ने बनाई हैं या वलियों की करामतों का जिक्र खुद कुरान भी बयान करता है? और वलियों की करामात के साथ साथ फिर औलिया की बारगाह से मिलने वाले फ्यूजात, क्या ये ऐसे किसी कहानियां हैं या खुद कुरान इस पर रहनुमाई फराहम करता है? पहले हिस्से में मैं चंद कोशिश करूंगा कि ऐसी चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस आस्ताने से जो तरबियत का सामान मिलना चाहिए मैं चंद बातें हुआ। जो कलिमात मुकद्दसा मैंने उनवान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किए, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, आला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आला कलमाए तंबीह झंझोड़ा जा रहा है, गफलत से बेदार किया जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है, मुतवज्जे किया जा रहा है, आगाह हो जाओ। क्या इन्ना, ये फिर आगे कलमाए तहकीक है जिसका माना है बेशक, कि आगे जो बात आ रही है उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। फरमाया आगाह हो जाओ कि बेशक औलिया अल्लाह कुछ अल्लाह के वली, यानी औलिया को बनाई हुई टर्म नहीं है, ये वो टर्म है जो खुद कुरान ने इस्तेमाल किया। फरमाया अल्लाह अपने बंदों में से कुछ लोगों को मुंतखब करता है, चुनता है, और उनको चुनीदा बनाकर फिर अपना दोस्त बना, अपना वली। तो जिसका मतलब कि औलिया होते हैं जिनका जिक्र कुरान करता है, और उनकी शान इस मकाम पर बारी ताला ने जो बयान की, फरमाया फिर जिनको मैं अपनी दोस्ती के लिए चुन लेता हूं, अपना दोस्त बना लेता हूं, अपना वली बना लेता हूं, फरमाया उनकी शान ये है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया उनको फिर दुनिया और आखिरत में हर खौफ और गम से आजाद कर दिया जाता, ना उन्हें अपनी जात के हवाले से कोई खौफ रहता है, और ना अपने साथ मुंसलिक हो जाने वाले और जुड़ जाने वालों के हवाले से कोई गम रहता है। उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हर खौफ और हर गम से आजाद कर। तो मैं पहली बुनियादी बात जो इसमें बताना चाह रहा हूं कि हाजरीन मुकर्रम, कुरान पाक ने और बहुत सारे मकामात पर ये औलिया की इस्तेला इस्तेमाल किया है, तो पता चला कि बंदों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको बारी ताला बंदों में से चुनकर विलायत के दर्जे पर फाइज करता है, और उनको अपना दोस्त और अपना महबूब बनाता है। ये औलिया, इनकी शान क्या है? अगर इनकी शान और मकाम का अंदाजा करना हो तो याद रखें, औलिया की शान ये है कि किसी मर्द कामिल की मजलिस में जाकर बैठे, उसके चेहरे को तकना, उसकी बताई हुई तालीमात को सुनना, उन पर अमल पैरा होना, उनके दिए गए औरादों वजायफ करना, ये सब बात की बातें हैं। मैं वलियों की शान बता रहा हूं कि जब कोई शख्स किसी मर्द कामिल की तलाश में सिर्फ घर से निकल पड़ता है तो उस मर्द कामिल का मिलना न मिलना बात की बात है, वो जो एक एक कदम तय करता है वो भी अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत। ये औलिया की शान, मैं बता रहा हूं कि उनकी बारगाह में पहुंच जाना ये बात की बात है, उनकी सोहबत में बैठना ये बात की बात है, उनके चेहरों को तकना ये बात की बात है, उनके दिए गए औरादों वजायफ करना ये बात की बात है, उनकी तालीमात पर अमल करना ये बात की बात है। ये तो नूर ना ला नूर है ना? मैं तो बता रहा हूं कि जब कोई शख्स फकत किसी मर्द कामिल की तलाश में घर से निकल पड़ता है तो वो जो एक एक कदम तय करता है और वो जो एक एक लम्हा गुजर रहा होता है मर्द कामिल की तलाश, वो पूरा वक्त और उठने वाला एक एक कदम वो अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत। कोई पूछे कि मैंने इतनी बड़ी बात की है तो इसकी कोई सनद? तो सनद आपको कुरान पाक, सूरह कहफ को कभी पढ़े? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अपने साथी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के एक मर्द कामिल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले थे। मैं उस वाक्य की तफसील, खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, अल्लाह के बंदे। बाज़ लोगों ने यह कौल किया है कि वो भी नबी,
और किया इसलिए है कि उनके जहन में ये गुमान गुजरा कि ये कैसे हो सकता है कि एक नबी किसी वली की तलाश में चल पड़े। नबी की शान तो ऊंची होती है, तो अगर नबी वली की तलाश में निकलेगा तो इस तरह तो माज अल्लाह वली की शान पड़ गई। तो इस एहतियात के पेश नजर उन्होंने कहा कि खिजर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। मगर जमहूर अहले इल्म का जिस बात पर इत्तेफाक है वो ये है कि खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है बल्कि अल्लाह के वली। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकले, में पिछले पस मंजर को कि क्यों निकले उसको छोड़ते हुए आगे चल रहा, साथ उन्होंने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को ले लिया और चलते चलते जब उस मकाम पर पहुंचे जहां दो दरियाओं की सरजमीन मिलती थी और उनकी बुनी हुई कटी हुई तली हुई मछली जिंदा होकर पानी में कूद गई तो कुरान कहता है फवजदा अब्दम मिन इबादिना, तो पस उन दोनों ने उस खास मकाम पर मेरे उस खास बंदे को पा लिया। वजदा का माना होता है पाना, और किसी को पाया तब जाता है जब कोई किसी की तलाश में। तो कुरान बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की वली की तलाश में निकले, जिससे साबित यह हुआ कि वलियों की तलाश में निकलना यह खुद सुन्नत अंबिया। ये क्या है? सुन्नत अंबिया है, और नबी की सुन्नत पर अमल करना यह ऐने इबादत है। और जब किसी सबका पैगंबर की किसी सुन्नत का जिक्र खुद कुरान में आ जाए तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वो एक हुक्म का दर्जा है। तो जब कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की इस जिक्र का सुन्नत का जिक्र आ गया कि वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले, तो इसका माना यह है कि वलियों की तलाश में निकलना इबादत है। तो जब कोई शख्स फकत उनकी तलाश में निकल पड़ता है तो वो जो एक एक कदम तय कर रहा होता है वो भी अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत। यहां पर तो बाज लोगों के जहन में ये ख्याल गुजरा कि हो सकता है खिजर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हो, ताकि इससे को गलत मुराद मफहूम किसी के जहन में ना जाए। अब मैं एक और मिसाल कुरान पाक से आपको दे रहा हूं ताकि कोई गलत फहमी का इम्कान ही बाकी ना, वो भी कुरान के अंदर। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपने नाम सुना है, कुरान पाक की पूरी सूरत अल्लाह ने अपनी उस नेक बंदी के नाम पर, और सूरा आले इमरान में उनका जिक्र है। और इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि औरत मकामे नबूवत पर फाइज नहीं हो सकती। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वो नबिया नहीं है तो फिर क्या होंगी? अल्लाह की बच्चियां होंगी, अल्लाह की नेक बंदी ठहरी। कुरान उनका जिक्र करता है सूरा आले इमरान के अंदर कि कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी जेरे निगरानी अपनी तरबियत के मरहले तय कर, बंद कमरा होता, बाहर दरवाजे को ताला लगा होता, जैसे ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होते तो कुरान कहता है वजदा इंदहा रिज़्का। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाकर देखते कि हजरत मरियम के पास बेमौसम फल पड़े हुए। अब मैं बता रहा हूं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कुरान सुना रहा, जिसमें कोई शक भी करे तो उस बदबख्त का ईमान ही चला जाता। दरवाजा भी बंद होता, किसी के आने जाने का रास्ता भी ना होता, उन फलों का मौसम भी ना होता। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होते तो जाकर देखते कि मरियम के पास बेमौसम फल पड़े हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जब उन्होंने ये फल देखे तो फल देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अर्ज करने लगे, काला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ए मरियम ये फल कहां से आया? और कुरान आगे कहता है काला हुवा मिन इंदिल्ला। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब दे रही कि अल्लाह के पैगंबर ये सारे फल अल्लाह की बारगाह से, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहतो हिसाब रिज़्क। तो यहां पहली बात तो मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊं कि अब वलियों की करामत का जिक्र कुरान बयान कर रहा है कि जहां वलिया के कदम लग गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां बेमौसम में फल आ गया, कि किसी के आने जाने का रास्ता नहीं है, उन फलों का मौसम नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत
और उस वलिया की करामत है कि जहां वो बंद कमरे में रहती थी वहां पर बारी ताला पे बोस में फल। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जैसे ही उन्होंने बेमौस में फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास देखे तो ये अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनको पिछली उम्र तक अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत अता की और मालूम नहीं वो कहां कहां दुआएं करते रहे। रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन वा अंता खैरुल वारिसीन, बोला वारिस नहीं है बेटा अता कर ताकि मेरा वारिस बन सके, मगर उनकी दुआ मुअक्खर होती रही, पेंडिंग। उस दिन जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौस में फल देखे और जवाब सुना कि उन्होंने आगे से बताया कि ये सब अल्लाह की बारगाह से आए हैं, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में खड़े खड़े फिर दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ। और ये कुरान के कलिमात हैं, कुरान कहता है हुनालिका दुआ ज़करिया रब, हुनालिका का माना है कि वही उसी हुजरे में उन्हीं कदमों पर खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ और अर्ज की रब्बे हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तैयबा, और अर्ज की के मौला क्या हुआ अगर बंद कमरे में मरियम को बेमौस में फल अता कर सकता है तो मैं भी तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मुझे बुढ़ापे की उम्र में बेटे की नेमत। अब हाजरी ने मुकर्रम सोचने की बात यह है कि अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगनी ही थी तो इतनी जल्दी क्या थी, घर जाके मांग लेते, घर जाके आराम से को दो नफल भी पढ़ लेते, दुआ तो अल्लाह से करनी थी तो घर जाके कर लेते। मगर कुरान के लफ्ज नोट कर रहा है हुनालिका वही उसी हुजरे में खड़े होकर दुआ मांग, तो इतनी जल्दी क्या लाहक होगी कि वही खड़े होकर दुआ मांगना शुरू कर, वहां खड़े होकर दुआ मांगना बता रहा है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम अल्लाह की बंदी नहीं है, ये कोई अल्लाह की वलिया है, मकबूल बंदी है, और वहां खड़े होकर दुआ इसलिए की कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ की कबूलियत के लिए जिस जगह हजरत मरियम के कदम लग गए थे उस जगह को अपनी दुआ की कबूलियत के लिए वस्त, दुआई करनी थी तो दुआ तो घर जाके भी कर सकते, इसलिए उन्हीं कदमों पर खड़े होकर दुआ मांग। और कुरान बाकायदा पॉइंट आउट कर रहा है, मुतवज्जे कर रहा है कि घर जाके दुआ नहीं मांगी, हुना लिखा उसी उजरे में उन्हीं कदमों पर खड़े खड़े दुआएं वो पहले भी जिंदगी में करते रहे मगर मुअक्खर होती रही, मगर उस दिन जब उस नेक बंदी के हुजरे में उनके वसीले से खड़े होकर दुआ मांगी तो कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो हजरत मरियम ज़करिया अलैहिस्सलाम उसी हुजरे में खड़े अभी दुआ मांग रहे थे और हाथ दुआ से पलट के नीचे भी नहीं आए थे कि बारी ताला ने मलाइका की एक जमात को भेजा, फरमाया जाओ मेरे ज़करिया को खुशखबरी सुना दो कि ज़करिया जा तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह तुझे बेटा अता कर। अब हाजरीन मुकर्रम मैं बता रहा हूं कि मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कुरान सुना रहा और कुरान किसी कहानियों की किताब नहीं है, कुरान का एक एक लफ्ज और एक एक हर्फ भी हमारी हिदायत और रहनुमाई के। तो बारी ताला ने वाकया जो कुरान में कोट कर रखा है तो कुरान बताना चाहता है, बारी ताला अपने महबूब की उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों याद रखो मैं खुदा अगर देने पर आ जाऊं तो वलियों के सदके नबियों को भी बेटे अता कर। और कुरान इस पर गवाह है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह ने बेटे की नेमत अता कर। तो ये वलियों के सदके और उनके वसीले से मिलने वाले वो पागल हैं, नादान हैं लोग जो वलियों के मकामों मर्तबा का इनकार करते हैं कि वलियों की बारगाह में क्या लेने जाते हो। बाबा अल्लाह ने अपने पैगंबर की इस सुन्नत को कुरान का हिस्सा बनाकर अपने महबूब की उम्मत को हिदायत अता फरमाई, सबक अता फरमाया है कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, क़यामत तक अब जिसको जो जो मिलेगा वो इसी दरवाजा है मिला।
और एक बात याद रखें, ऐसा होने से माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को वली की शान नबी से बढ़ नहीं जाती, शान नबियों की ज्यादा। वली को तो जो कुछ मिलता है वो मिलता भी नबी के कदमों का सदका है, मगर अल्लाह ताला ने ये जो नबियों की ऐसी सुन्नतें बनाकर उनको कुरान का हिस्सा बनाया है ना, वो हमें सबक देना मकसूद था कि मेरे महबूब के बाद अब नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई और नबी नहीं आएगा। तो इस दरे विलायत की अहमियत समझाने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों की ऐसी सुन्नतों का जिक्र कुरान। अब अगर किसी के जहन में ये ख्याल आए कि भाई ठीक है ये बात तो समझ में आ गई कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया है, ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकया है, तो अगर वलियों की इतनी ही शान ज्यादा है तो हमारे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कोई ऐसी जिससे वलियों की शान उजागर हो सके। वैसे तो अहादीस मुबारका से लिटरेचर बड़ा पड़ा है, मगर एक ईमान अफरोज बात आज आपको और रेलेवेंट हिस्सा जो बताना चाहूंगा वो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हो गुजरे हैं जिनको लोग ओवैस करनी के नाम से जानते हैं। आशिक इतने बड़े थे कि जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक थोड़ा सा शहीद हुआ, खबर मिली तो इश्क और मोहब्बत में आकर अपने सारे निकले। दौर एक था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी तौर पर जलवा अफरोज थे तो उसी दौर में हजरत ओवैस करनी भी बोली और 20 बरस ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका की जाहिरी मुबारक के मगर इतना बड़ा आशिक होने के बावजूद मेरे आका के बदुहा मुखड़े की वो जियारत नहीं, वो सिहाबी नहीं है बल्कि वो एक अलग चैप्टर था कि उसके पीछे सबक क्या। मगर मुलाकात ना होने के बावजूद भी मेरे आका की शान बारगाह अकदस में उनका मकाम और मर्तबा यह था कि कई बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम में जलवा अफरोज होते तो आप कर्ण और यमन के इलाके की तरफ मुंह कर लेते और सहाबा इकराम से फरमाते कि मेरे सहाबियों इधर भी मेरा एक गुलाम रहता है, जब इधर से हवा आती है तो मेरे सीने को ठंडक पहुंच दी। मेरे आका उनकी निशानियां बताते जैसे पता चला कि वलियों का जिक्र करना खुद सुन्नत मुस्तफा है। आका सहाबा इकराम के मजलिस में उसका जिक्र किया करते और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई और फरमाया कि मेरे पर्दा कर जाने के बाद ये मेरी कमीज मुबारक ले जाना, जाकर ओवैस को देना और ओवैस से कहना कि आका ने फरमाया था कि मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर। फास्ट कोट कर रहा हूं ये सही बुहारी जो आका ने वसीयत और आपके पर्दा कर जाने के बाद फिर जलीलुल कदर से हबा इकराम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और मौला कायनात अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों हस्तियां आका की कमीज मुबारक लेकर उस कर्ण और यमन के इलाके में गए। वहां लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि यहां कोई ओवैस है, मगर उस ओवैस को कौन जाने जिसके फटे पुराने कपड़े गर्द आलूद बाल जंगलों और वीरानों। जब लोगों को चंद एक निशानियां बताई तो तब लोगों ने बताया कि वो तो एक मजनू दीवाना सा आदमी है, जंगलों में रहता है, जब लोग रोते हैं तो वो हंसता और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता। वो समझ गए और फरमाने लगे कि बस हम उसी दीवाने से मिले। जब उस खास मकाम पर पहुंचे तो देखा कि हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इबादत में नमाज में मसरूफ है और करीब ही उनकी बकरियों का एक रेवड़ है जिसकी हिफाजत एक भेड़िया कर रहा है। देख के दंग रह गए, सलाम फेरा, उनकी नजर पड़ी कि कुछ मेहमान आए हैं। पूछा भाई कैसे आना? अब ये फरमाने लगे भाई आने का मुद्दा तो बाद में बयान करेंगे, पहले ये बताएं कि ये सुना था कि भेड़िया बकरियों को खा जाता है, आज पहली बार देखा है ये हिफाजत, ये माजरा बदल कैसे गया? वो वैसे करनी फरमाने लगे कि दोस्तों बात बड़ी सादा सी है कि मैं खुलूस नियत के साथ अल्लाह के काम में लग गया, उसने अपनी मखलूक मेरे काम में लगा। इखलास बड़ी नेमत है अगर किसी को मिल जाए, इखलास के साथ किया हुआ काम सीधा कबूल होता है अल्लाह। मालूम नहीं फिर घंटों मुलाकात हुई होगी वो वैसे करनी पर क्या बीती होगी, जब समझ आई होगी पता चला होगा कि आका के भेजे हुए नुमाइंदे आए,
बातें होती रही। फिर उन्होंने कमीज मुबारक पेश की और आका की वसीयत मुबारक बताई कि आका ने फरमाया था कि मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। अब ये सोचकर वो वैसे करने पर क्या गुजरी, कहते हैं कि उन्होंने वो कमीज मुबारक ले ली, अपने सामने रख ली और अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में चले। और कमीज का सामने रखना बता रहा है कि वो वैसे करनी ने अपनी दुआ की कबूलियत के लिए वसीला फिर आका की कमीज मुबारक को बना। देर तक सजदे की हालत में झुके रहे। जब सजदा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया तो सहाबा किराम ने आवाज दी, उन्होंने सजदे से सर उठाया, नमाज नहीं खाली दुआ के लिए सजदे में गिर गए थे, सजदे से सर उठाया और फरमाने लगे कि दोस्तों तुमने जल्दी, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम आज उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाता जब तक बारी ताला पूरी उम्मत की बख्शिश का वादा करे। फरमाया कि मेरे उस एक उवैस की दुआ से बारी ताला फुलां कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश बनी। मगर ये सारा वाकया सुनाकर जो ईमान अफरोज बात अकीदे की बात जिसकी खातिर इस वाक्य की तरफ लाया हूं वो सुनाना चाहिए। हाजिर ने मुकर्रम करा एक लम्हे के लिए सोचे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि भाई उवैस के पास जाना, मेरी कमीज देना और जाकर कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो, तो माशाल्लाह कोई अगर इससे गलत माना यह निकाले कि वो वैसे करने की शान आका से बढ़ गई, इससे बड़ी जहालत भी कोई हो सकती। मगर सोचने की बात यह है कि कायनात में आका से बढ़कर तो दुआ करने वाला है कोई, और फिर आका से बढ़कर दुआ कबूल किसकी होती हो, तो आका ने वो वैसे करने से दुआ करवाई खुद ही फरमा देते, आपसे बढ़कर तो कोई दुआ करने वाला नहीं। मगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वैसे करने से दुआ इसलिए करवाई कि मेरे आका क्यामत तक आने वाली अपनी उम्मत को पैगाम देना चाह रहे थे कि लोगों वलियों से दुआ करवाना ये खुद सुन्नत मुस्तफा, तो मैं पहली बात जो आपको अकीदे की समझा रहा हूं कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत बनाई और कमली वाले आका की सुन्नत का नाम ही हकीकत में दीन है। वो जानना चाहे कि दीन क्या है, दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत, इससे हटकर दीन किसी और शय का नाम। और किसी के जहन में ख्याल आए कि अलामा साहब अगर सारा दीन नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है तो कुरान क्या है, किताब क्या है, तो मैं सरे दस्त एक जुमला कह रहा हूं जिसको जितनी समझ आ जाए। याद रखें असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का, रह गई किताब तो किताब तो उस सीरत को क्यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम। अब मैं इसकी वजाहत में नहीं जाता, ये ईमान अफरोज बात है जो मैंने एक जुमले में कह दी है। तो आका ने अपनी सुन्नत बनाकर वलियों से दुआ करवाने के अमल को खुद दीन का हिस्सा बना। और विलायत ये शान जो पीर साहब फरमा रहे थे ये मिलती उसको है जो पहले खुद को कमली वाले आका की मोहब्बत इश्क और अदब में फना। उसकी तरफ मैं लाता हूं मेरी गुफ्तगू का अगला हिस्सा वही आ गया। यहां रुककर एक ही मान अफरोज बात जो कहते हैं कि वलियों की करामत कोई नहीं, ये ऐसे लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, तो मैं कुरान से एक वाक्या बयान कर देता ताकि आपको दाएं बाएं की किताबों के नहीं, आज से कुरान से बताता हूं विलायत क्या। मारूफ वाक्या है, आपने सुना हुआ है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार लगाए बैठे और 900 मील दूर से मलका सबा उनकी बारगाह में हाजिरी के लिए चल रही। आपके हाजरीन में इंसान भी होते थे और जिन भी होते थे। आपने हाजरीन से फरमाया कि भाई वो मलका सबा आ रही है, कोई है जो उसके आने से पहले पहले उसका 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ले आ। पहले एक जिन खड़ा हुआ, कुरान कहता है काला इफ्रीतु मिनल जिन अना आतिका बही कबला अन तकूमा मिन मका,
और जिन खड़ा होकर अर्ज करने लगा कि अल्लाह के पैगंबर अगर इजाजत हो तो आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले पहले वो 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ले आओ। आप फरमाने लगे नहीं, इतनी ताखीर नहीं चाहिए, जल्दी चाहिए। मगर जिन ने अगली पेशकश नहीं की, अगली ऑफर नहीं की, जिसका मतलब कि वो इसे जल्दी लाने पर कादिर नहीं था। अगर जल्दी लाने पर कादिर होता तो अर्ज करता हजूर अच्छा जल्दी ला देता। जब जिन की ताकत और परवाज जवाब दे गए तो अब आपका एक और उम्मती खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरकिया, जिनका नाम मिलता है और कुरान ने उनका तारुफ सिर्फ इतना करवाया है, वकाल नजी इंदहू इल्म मिनल किताब। आपका एक वो उम्मती खड़ा हुआ जिसके पास किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म। किताब कौन सी होगी? कुरान तो उतरा नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कोई सहीफा उतरा होगा? उस सहीफे का भी पूरा इल्म नहीं था, उस सहीफे के इल्म में से भी थोड़ा सा इल्म था। वो खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, अना आती का बही कबला अन यर्तद्दा इलैका तर, ए अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो आपकी पलक झपकने से भी पहले 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ला सकता। और उसने खाली दावा नहीं किया, ये पलक झपकने से भी पहले, इसका माना ये है, वो ये नहीं कह रहा कि आप जरा आंख बंद करके खोले तो तख्त इधर होगा, नहीं। वो अर्ज ये कर रहा है कि अल्लाह के पैगंबर अभी आप आंख बंद भी नहीं करने पाएंगे, तख्त इधर होगा। इधर बात की, तख्त लाके हाजिर कर दिया और कुरान कहता है फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहू, जैसे ही तख्त को अपने सामने मौजूद पाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बेसाख्ता बोल उठे, काला हाजा मिन फजले रब्बी, ये सारे का सारा मेरे रब का फजल। अब इस वाक्य से पता ये चलता है, जिन्नों के बारे में तो सुनते हैं ना उनकी परवाज कितनी होती है। कोई शख्स ज्यादा बड़ा कोई काम करे तो कहते हैं लगता है जिन, तो जिन्नों के बारे में हमारा एक तसव्वुर है, मगर कुरान बताता है कि जहां जिन्नों की परवाज खत्म होती है वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की परवाज का आगाज। और वली भी कौन सा? जिसके पास उन पर उतरने वाले सहीफे का सारा इल्म नहीं, थोड़ा सा इल्म था। उसकी परवाज का ये आलम कि पलक झपकने से पहले वो 900 मील दूर चला भी गया, तख्त उठाकर ले भी आया। तो सोचो जिस वली के पास उस सहीफे का सारा इल्म होगा उसकी परवाज का आलम क्या होगा, और जिस पैगंबर पर वो सहीफा उतरा होगा उस पैगंबर की अपने तसर्रुफात और अपनी परवाज का आलम क्या। तो बाबा अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती जिसके पास थोड़ा ऐसा इल्म है वो पलक झपकने से पहले 900 मील दूर जा भी सकता है, तख्त उठाकर ला भी सकता है, तो हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर एक वक्त में 40 मकाम पर हाजिर हो जाए तो इसमें ताज्जुब वाली अब ये वली की करामत का जिक्र खुद कुरान कर रहा है। ये कोई आम किस्सा कहानी नहीं है कि पलक झपकने से पहले वो 900 मील दूर चले भी गए और तख्त उठाकर ले लिया। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा घंटों सिर्फ इसी पर बात करता रहे तो कुरान के मजामीन खत्म नहीं होते कि कुरान वलियों की शान, उनके तसर्रुफात, उनके फ्यूजात, उनकी बारगाह से क्या मिलता है और कैसे कैसे नबियों की सुन्नतें हैं। ये पूरी तफसीलात है कुरान का जिसको बयान करने के लिए वक्त चाहिए। अब सिर्फ मुख्तसरन में दूसरे हिस्से में जो बात करना चाह रहा हूं कि आने वाले लोगों को जहां अकीदा मिला है अकीदे के साथ साथ थोड़ी अमल की बात। बारी ताला ने जिन वलियों का जिक्र किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया बेशक जो मेरे वली होते हैं उनकी शान यह है कि उनको दुनिया और आखिरत में हर खौफ और गम से आजाद कर दिया जाता है। तो बोला को तेरे उन वलियों का तारुफ वो कौन लोग होते हैं? तो बारी ताला ने उनका तारुफ बयान करते हुए आगे फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया बस मेरे वलियों की पहचान करना चाहते हो तो वली वो होते हैं जिनमें दो खूबियां पाई जाती हैं। क्या? फरमाया पहली खूबी ये है कि वो साहिबे ईमान होते हैं। कौन होते हैं साहिबे ईमान? कोई काफिर और बाअक़ीदा शख्स वो मकामे विलायत पर कभी फाइज नहीं। और साथ आगे फरमाया वकानू यत्तकून,
ईमान के बाद उनकी दूसरी खूबी यह है कि वो साहिबाने तकवा, जिसका मतलब कुरान ईलान कर रहा है कि जहां ईमान और तकवा जमा हो जाए वहां से विलायत जन्म। भाई देखिए, मैं आप लोगों को एक सादा सी बात बता रहा हूं, नबुवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। कुछ लोग तो अल्लाह के चुनीदा बंदे होते हैं, अल्लाह जिनको चुनकर मकाम में विलायत है, मगर कुछ कसम वाले भी होते हैं। आप लोगों के लिए भी दरवाजा खुला है, आप भी अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं, अल्लाह के महबूब बन सकते हैं। और अल्लाह ने एक रास्ता बता दिया कि अगर तुम साहिबे ईमान बन जाओ और ईमान के साथ साथ तुम्हारे अंदर तकवा की दौलत आ जाए, तो फरमाया जहां ईमान और तकवा जन्म जमा हो जाएगा बस वहीं से विलायत जन्म। ईमान क्या है इसकी भी तफसील में नहीं जाता, बस जो पीर साहब ने बात फरमाई। ऐसे लोग बड़ी गुर की बात बताते हैं, एक जुमले में सब कुछ बंद कर देते। मैं कुल कुरान और हदीस के इल्म का नचोड़ जो मैंने वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर सीखा, हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहु अली, जिन्होंने इस सदी के अंदर पूरी दुनिया को इल्म की खैरात बांटी, उनके कदमों में बैठकर जो सीखा है कि ईमान किसे कहते हैं। याद रखें हाजरीन मुकर्रम, ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना, इससे हटकर ईमान किसी और शय का नाम। जो जितना कमली वाले आका के इश्क और अदब में खुद को बिताता चला जाएगा वो उतना ही ईमान में बुलंद से बुलंदतर होता चला जाएगा। ईमान मिलता भी कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के नतीजे में है, और मिला हुआ ईमान वो बचता भी कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के सदके। ईमान का आगाज, ईमान की इब्तिदा वो भी कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क से होती है, और वही ईमान जब पलते पलते बढ़ते बढ़ते जवां होकर अपने कमाल को पहुंचता है ना, तो वो ईमान जिसकी इब्तिदा मोहब्बत से हुई थी वही ईमान इश्क में बदल, और जहां इश्क आ जाए फिर वहां अदब तो कूट कूट कर बराबर, क्योंकि अदब के बगैर इश्क का कोई कंसेप्ट नहीं। इस पर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बस साथ दूसरी बात को लेना चाह रहा हूं। आगे फरमाया ईमान के साथ साथ दूसरी चीज तकवा, जहां साथ तकवा आ जाए वहां से विलायत जन्म लेती। अब तकवा क्या होता है, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहा, यह भी कुरान से समझाना चाह रहा। आप बिल्कुल सूरह बकरा की इब्तिदा पढ़े, बारी ताला ने फरमाया है मुत्तकी कौन होते हैं, तकवा वाले कौन होते, वो आज पैगाम देके आपको भेजना चाह रहा। बारी ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकी, फरमाया ये वो किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के। मगर मुत्तकी कौन है, तकवा वाले कौन होते, तो उनकी पहली खूबी बताई अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया मुत्तकी वो हैं जो बिन देखे मान लेते, साहिबे ईमान होते। भाई ईमान के बगैर तकवा नहीं मिलता, ईमान पहले तकवा बाद में। फरमाया जब ईमान आ जाए तो साहिबाने तकवा वो हैं जिनका पहला काम ये है वयुकीमूना सलाह, फिर वो नमाज कायम करते। आज ऐसे भी दो नंबर किस्म के अपने आप को वली कहने वाले लोग मैदाने अमल में आ गए हैं, दुकानदारियां लोगों ने बना ली हैं कि जिनका नमाज से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं, सारा दिन भंग और चर्च, फिर जोर से नाराए हैदरी लगाते हैं और कहते हैं हमारी नमाजें सीधी मदीना में। तो याद रखें जो शख्स यूं कहे कि नमाजें मदीने में होती हैं हमें नमाजों की जरूरत नहीं है, वो बदबख्त हवा में भी उड़ के दिखाए, तो याद रखें विलायत के साथ उसका दूर दूर का भी कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। कोई वली बन नहीं सकता जब तक कि वो पहले कमली वाले आका के लाए हुए दीन और शरीयत का पाबंद नहीं। इसलिए कुरान ने ईमान के बाद मुत्तकीन की पहली पहचान जो बयान की वो क्या, फरमाया ये वो लोग हैं जो नमाज कायम, इस नमाज की अदायगी के बगैर, नमाज की पाबंदी किए बगैर ना कोई पीर बनता है ना कोई वली बनता है।
और ये दर्स ये सबक वलियों की बारगाह से आने वाला, क्योंकि कलमा पढ़ लेने के बाद जो दीन का पहला रुकन है, पहली बुनियाद है, पहला पिलर है, वो नमाज का कायम करना। अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की तालीम देते हैं अपनी उम्मत को, तो आज के पीरों को भी फर्ज बनता है कि ये तालीम दे। मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका फरमाते हैं कि एक मोमिन और काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो यही नमाज। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनी, लोगों ये नमाज मोमिनों की मेराज है, और ये नमाज वो नमाज है कि जो मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मत के लिए तोहफे के तौर पर आता। तो जरा एक लम्हे के लिए सोचे, अल्लाह को तोहफा दे, उम्मत के लिए नमाज तोहफा है, और लेने वाला उस तोहफे की नाकदरी करे तो देने वाला खुश होगा या नाराज होगा। तो कोई नमाज पढ़े ना, नमाज की कदर ना करे और समझे कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया, मैं अल्लाह का महबूब बन गया हूं, तो इससे बड़ी गलत नहीं हो सकती। अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो पहले तोहफे के तौर पर उसकी बारगाह से मिलने वाली नमाज की कदर। जब तक कोई शख्स पहले खुद को पांच वक्त का नमाजी नहीं बनाता है, वो उल्टा भी लटक जाए, उसका विलायत के साथ दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए इस आस्थाने पर आने वालों, सिलसिला कादरिया के साथ मुंसलिक होने वालों, आपको भी यही दरखास्त कर रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं, मालूम नहीं है कब आंखें बंद हो जाए। मरने के बाद पहला सवाल किसी नमाज की निस्बत, जो इस सवाल में कामयाब हो गया उसके बाकी मरहले भी आसान कर दिए जाए। लिहाजा पांच वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ, ओढ़ना बिछोड़ना बनाओ। अगर आस्थानों के साथ जुड़े हो तो फिर हमारी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। चाहते हो कि इस आस्थाने का पैगाम दूर दूर तक पहुंचे तो जितने खुद संवर जाओगे, जितने अमल और किरदार को संवार लोगे, उतने ही आस्थाने की धूम मचेगी कि हाँ ये फुला आस्थाने से मुंसलिक है, ये समर गए, हमें भी वहां पहुंचना चाहिए ताकि अल्लाह हमें भी हिदायत। खाली ऐसा नहीं है कि बस ये जो हमने तसव्वुर बना लिया है कि बस वली की बैत कर ली तो बस बेड़ा ही, फिर जो चाहो आंखें बंद करके करते फिरो, नहीं, गिरफ्त होगी, पूछा जाएगा। हाँ, जो मेरे आका के साहबे ईमान उम्मती है, बेलाखिर अल्लाह अपने वलियों के सदके और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के सदके उनको जन्नत में ले जाएगा, मगर अहदीस को पढ़े तो कहां से लेकर जाएगा, उनको जहन्नम से निकाल निकाल कर लेगा। जहन्नम के गए क्यों? आमाल की कमी की वजह से, और बेलाखिर ईमान और वलियों की निस्बत और कमली वाले आका की गुलामी आपको जन्नत में ले जाएगी। अगर चाहते हैं कि जहन्नम की गर्म हवा भी ना लगे, बारो बार बाईपास से सीधा ही जन्नत में चले जाएं, तो सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क होगा और तन पर सीरत मुस्तफा का पहन। मान भी दुरुस्त होगा, अकीदा भी दुरुस्त होगा, और अकीदे के साथ साथ वो अपने अमाल को भी समझ का मुताला करें तो कुरान ने जहां भी कामयाब वो खुश नसीब है जो कामयाबी से हमकनार होंगे, अल्लाह उनको अपना महबूब बनाएगा और उनको विलायत के मकाम पर फाइज करके उनकी दुनिया भी सवार देगा, उनकी आखिरत भी। अपने अकीदों को भी दुरुस्त करो, मैंने दोनों चीजें बताई कि वलियों की निस्बत अकीदा हक अकीदा कोई दो नंबर नहीं, और दूसरा इसके साथ अगर वलियों के साथ जुड़ गए तो फिर हमारी सीरत और किरदार में भी तब्दीली आएगी। अगर जुड़ करके ना बदले, संवरे ना, तो फिर जुड़ने का मजा नहीं। और ये मुझे खुशी हुई है कि इस आस्थाने पर लोगों की तालीम और तरबियत के लिए इस नशिस्त का इस्तेमाल होता है। थोड़े थोड़े से आगाज होगा, आगे फिर बढ़ता चला जाएगा, इंशाल्लाह ये पैगाम फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो पहली बात नमाज पर ईमान लाने के बाद नमाज का कायम, और आगे फरमाया
रज़क ना हो युनफिकून, फरमाया मुत्तकी वो है जो नमाज कायम करने के बाद हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च। और आप जब इस्लाम के दीन के पिलर्स को देखते हैं तो नमाज के बाद फिर अगला दीन का पिलर है ज़कात का अदा करना। यहां तो माँ उमू पर दलालत करता है, साहब निसाब होना भी शर्त नहीं। फरमाया जिसको जो कुछ और जितना मिला है जब तक वो हमारे दिए हुए में से खर्च नहीं करता तब तक वो कभी तकवा के मकाम पर फाइज नहीं हो सकता। और हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो सच्ची बात ये है, अक्सर बेशतर उम्मत का हाल ये है कि लोग साहिब निसाब होते हैं मगर कभी ज़कात देने का सोचा ही नहीं है कि हमने ज़कात दी। हालांकि ज़कात का अदा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नमाज का। बारी ताला ने कुरान पाक में फरमाया वो लोग जो सोने चांदी के ढेर इकट्ठे करते हैं, खर्च नहीं करते, अल्लाह की राह में ज़कात नहीं निकालते, फरमाया क़यामत का दिन होगा उनके माल को जहन्नम की आग में तपा तपा कर उनके जिस्मों को दागा जाए और कहा जाएगा यही वो तुम्हारा माल है जिसे तुम जमा। तो बस आज दो ही चीजें आपको बता रहा हूं कि एक अपना अकीदा दुरुस्त करें, ये अल्लाह का करम है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में ऐसे औलिया को पैदा कर दिया कि जिनसे जुड़ेंगे तो आपकी दुनिया भी संवरेगी और आपकी और फिर उनके साथ जुड़कर अपने आमाल को संवारने की कोशिश करें, अपनी सीरत और किरदार में तब्दीली लाएं। और पहला करने वाला काम यह है कि कलिमा तो हमने पढ़ लिया, मुसलमानों के घर पैदा हो गए, अब पांच वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का मानो। इस नमाज में गफलत और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ने अगर साहिब निसाब बनाया है तो ज़कात अदा करें, अदरवाइज कुरान कहता है अगर मुत्तकी बनना चाहते हो तो अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो थोड़े में से, ज्यादा दिया है तो ज्यादा में से, हर हाल में अल्लाह की गरीब मखलूक पर खर्च करो। जब खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपने कर्म के दरवाजे खोलेगा, किसी को 10 गुना, किसी को 70 गुना, किसी को 700 गुना, और देने पर आ जाए तो किसी को बेहदो हिसाब किया जाए। फिर रमजान आ जाए तो उसके रोजों में गफलत नहीं करो। ये मैं बुनियादी पिलर्स आपको बता रहा हूं। और अल्लाह ने तौफीक दी है तो अल्लाह और उसके रसूल के घर में जरूर जाओ, हज आका की बारगाह अक्दस में हाजिरी दो। ये वो बुनियादी चीजें हैं कि जिन पर अमल किए बगैर, तकवा तो बड़ी दूर की बात है, कोई नेकी की राह पर नहीं चल सकता। तो लिहाजा जिंदगी के अंदर इन आमाल को अपना ओढ़ना बिछौना बनाओ। अगर ये दोनों चीजें हमने अपनी सीरत और किरदार में पैदा कर ली कि अकीदा भी दुरुस्त और अमल को ओढ़ना बिछौना बना लिया, सीरत और किरदार को संवार लिया, तो यकीनन दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी हमारे कदम। ये वो पैगाम है जो आज के दौर में मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी नगर नगर गली गली इस उम्मत को देते फिर रहे हैं कि लोगों आओ अपने दिलों के अंदर कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग जलाओ ताकि ईमान मुतहक्कक हो और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा बिठाओ ताकि आमाल और किरदार संवरे। और अगर दोनों चीजें संवर गई तो समझो दुनिया भी कामयाब हो रहा। मैं बारे दीगर मुंतजमीन को, मुरीदीन को जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, इस उर्से मुबारक की आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ को हूं कि बारी ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस आस्ताने के फ्यूजात को जारी और सारी फरमाए और इसके सदके अल्लाह हमारी दुनिया भी संवारे, आखिरत भी संवारे। वमा अलैना।